गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज है 7 सितंबर और आज है कृष्ण जी की जन्माष्टमी। हमारे कृष्ण जी का आज जन्मदिन है। तो वैसे तो 2 जन्माष्टमी थी, 6 और 7 की, लेकिन हमारे यहाँ पर जो है गोकुल की जो जन्माष्टमी मनाई जाती है वो 7 सितंबर की मनाई जाएगी। तो यानी आज की जो है जन्माष्टमी है, तो हम लोग मना रहे हैं जन्माष्टमी। और अभी जो है सुबह के बज रहे हैं, ऑलमोस्ट 10 बज रहे होंगे। और वैसे तो मैं नहा ली थी, सर भी वॉश कर लिया सुबह। आप तिलक देकर अनुमान लगा ही सकते हैं। मैंने पूजा वगैरह तो सुबह ही कर ली थी। तो सबसे पहले तो मैं अपने कान्हा जी के आप सबको दर्शन करा देती, फिर उसके बाद करती हूँ आपसे बातें। तो चलो दर्शन कर लीजिए। तो ये हैं हमारे माधव, जिन्होंने आज येल्लो कलर की पोशाक पहनी है और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। पूरा श्रृंगार इन्होंने किया है, हाथों में चूड़ी पहनी है, ज्वेलरी और कानों में बालियाँ पहनी हुई हैं। बहुत सुंदर लगा है। और देखो मोर पंखी भी लगाए हैं। और ये हमारे केशव, ये हमारे लड्डू, तीनों भाइयों ने बहुत सुंदर सुंदर पोशाक पहनी है, क्योंकि भाई आज इनका है जन्मदिन। और ये मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं। और यहाँ पे मैंने माता रानी का जो है श्रृंगार कर दिया। ये भी मैंने अभी मंदिर से बाहर निकाल के रखे हैं, क्योंकि अभी मैं मुझे ना मंदिर का डेकोरेशन करना है, तो ये थोड़ा सा साफ़ सफाई करना है। आप देख सकते हो इस तरीके का सारा सामान ऐसे ही पड़ा है, और ये डेकोरेशन का सामान यहाँ पर रखा हुआ है जो मैं कल मार्केट से लेके आई थी। तो यहाँ पर मैंने अपने लड्डू, माधव, केशव तीनों भाइयों को ऐसे बिठाया हुआ है। बस अब जल्दी से फटाफट, वैसे तो मंदिर मम्मी ने कल ही क्लीन कर दिया था, बट मैं थोड़ा सा डेकोरेशन का सामान लेके आई थी, क्योंकि आज कान्हा जी का बर्थडे है। तो मुझे मंदिर थोड़ा सा अच्छा सा मतलब सजाना है, फिर हम अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। तो आज का पूरा दिन जो है मेरा बहुत बिजी होने वाला है। क्या क्या चीज़ें मैं आज बनाऊँगी घर पर, प्रसाद वगैरह में, सब चीज़ें मैं आपको आज के ब्लॉग में दिखाऊँगी। तो ब्लॉग पे जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। नीचे बेल आइकन का बटन आ रहा है, उसे प्रेस करना जरूर याद रखिएगा, क्योंकि अगर आप उसको प्रेस नहीं करेंगे तो जितने भी ब्लॉग्स डालती हूँ, वीडियोज़ डालती हूँ, उनका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। तो उसे याद से आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलो जल्दी से फटाफट मंदिर की साफ़ सफाई कर लेते हैं, ठीक है? मैंने यहाँ पर ये इस तरीके से मैं कल मार्केट से परचेज़ करके लेके आई थी, ये मैंने इस तरीके से यहाँ पे लड़ी लगा दी है। और मेरी हालत देख लो, मेरा तिलक भी पसीनों में इतनी हो चुकी हूँ, इतना पसीना आ रहा है, इतना स्वेट आ रहा है मुझे, इतनी गर्मी हो रही है ना, और मैं थक गई बहुत ज़्यादा इतना, क्योंकि बहुत ऊँचाई पर थी तो उनको लगाना भी बहुत ज़रूरी था। तो फ़िलहाल मैंने वो लगा दी, अब जल्दी से शीट लगा देती हूँ, देन उसके बाद पहले थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। बहुत ज़्यादा थकान फील हो रही है, बट यार पानी भी नहीं पी सकते, व्रत है ना। तो चलो कोई ना, फटाफट मैं जल्दी से कंप्लीट कर देती हूँ, फिर आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मेरे मंदिर की सफाई हो गई थी, और बीच में मैं अपने डॉगी को खाना देने आ गई थी, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। तो अभी यहाँ पर मैं खाना देने के बाद में इनको फिर जा रही हूँ नीचे, और नीचे नहा के फिर मैं आपको मंदिर दिखाती हूँ, ठीक है, फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो देखो जी, फाइनली मैं नहा ली हूँ, और नहा के जो है मैं तैयार हो चुकी हूँ, और अब मैं आपको अपने मंदिर के दर्शन कराऊंगी। और ये मेरा फाइनल लुक है। मैंने कुछ ब्लू एंड वाइट कलर का कुर्ता पहना है, आगे से ये थोड़ा शॉर्ट है, पीछे से लॉन्ग कुर्ता है, कॉलर वाला कुर्ता है, और ये मैंने लोकल मार्केट से ही परचेज़ किया था। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ मंदिर। तो ये है हमारा मंदिर का फाइनल लुक, और कैसा लग रहा है ये देखो मंदिर। और ये मैंने अपने ही हाथों से कान्हा जी के लिए झूला बनाया था। मैं रेडीमेड झूला यूज़ नहीं करती हूँ, अपने हाथों से ही हर साल मैं झूला बनाती हूँ। और ये जो यहाँ पे मैंने इस तरीके से फ्लावर लगाए हैं, मतलब माला आर्टिफिशियल, और यहाँ पर शीट वगैरह मैंने इस तरीके से लगाई थी, और मैंने दिया भी जला दिया है। और यहाँ पर देखो मेरे लड्डू, माधव, केशव तीनों भाई बैठे हुए हैं। और ना मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये जो फ्लावर आप देख रहे हो ना, तो ये लोकल मार्केट से परचेज़ किए थे, और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे, दोनों साइड मैंने ऐसे ही लगाए थे। और यहाँ पर ना ये आर्टिफिशियल फ्लावर की माला है, मैं ओरिजिनल माला भी पहनाऊँगी। और ये झूला था जो मैंने लड्डू गोपाल के लिए अपने ही हाथों से बनाया था। और ये मेरे मंदिर का मंदिर मतलब मेरा बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा वाला सुंदर लग रहा था। मैं अपने मंदिर को बार 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 देख रही थी, और अपने आप देख ही सकते हो कितने अच्छे से हमने तैयार किया था। तो आप प्रसादी लेके आएंगे भगवान के लिए, जो मैंने प्रसादी बनाई।
तो यहाँ प्रसाद में ना व्रत खोलने का टाइम हो चुका था। यहाँ पर मैंने तीनों लड्डू माधव केशव तीनों भाइयों को दूध दिया था, पानी और मौसमी केला और केला कट करके दिया था। और तुलसी पत्ता हमेशा भोग में रखना चाहिए क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को तुलसी जो थी वो बहुत प्रिय थी और बहुत ही ज़्यादा प्रिय थी, इसलिए हमेशा आप जो भी खाना प्रभु को दो आप उसमें तुलसी पत्ता ज़रूर रखें। ठीक है, तो अभी जो है हमारा एक बार मंदिर और देख, तो यहाँ जो है मेरी माता जी आ चुकी हैं भगवान को प्रसादी ग्रहण कराने के लिए। तो यहाँ पे बड़े वाले माधव को जो है प्रसादी ग्रहण करा रही हैं मम्मी, और केला हमने कट किया था, जो प्रसादी हमने शाम के टाइम ग्रहण की थी वही प्रसादी हमने भगवान को ग्रहण कराई थी। और ये जो आप उन्हें अभी फूल देख रहे हो ना, आर्टिफिशियल फूल भी है, और मैंने यहाँ पर ना भगवान जी को ओरिजिनल गेंदे के फूल की माला भी जो थी भगवान जी को पहनाई थी। और यहाँ पर मम्मी अब इनको तीनों भाइयों को दूध पिलाएगी। और मैं आपको एक खास और बात बता दी, जब भी हम भगवान जी को भगवान के लिए भोग रखते हैं मंदिर में तो सारे भगवानों को हम याद करके रखते हैं कि आओ भगवान, सारे जितने भी भगवान हैं सबके नाम लेके हम भोग रखते हैं। ऐसा नहीं है हम लड्डू गोपाल के लिए ही भोग रखते हैं और उनको ही याद करके खिलाते पिलाते हैं, ये हमने अपने बच्चों की तरह पाले हैं इसलिए हमको इनको खिलाना वगैरह पड़ता है। लेकिन मंदिर में जब भी आप भोग रखते हैं तो सारे भगवानों को याद करके ही भोग रखा करिए। तो अभी मम्मी ने यहाँ पे ना इनको दूध पिला दिया है और ये देखो पहना दिया मैंने माला भी। और यहाँ पर मम्मी ने इनको पैसे दिए हैं बर्थडे के लिए और कितने खुश हैं ये, आज ना ये बहुत ज़्यादा खुश लग रहे हैं। एक चीज़ और दिखाती हूँ, ये जो लड्डू गोपाल है भाई को बर्थडे पे गिफ्ट मिले थे, हमारे पास बड़े वाले कृष्णा भी हैं जो बहुत सुंदर लगते हैं हमारे, और ये हमारे माधव बैठे हैं। तो चलो अब जल्दी से बनाते हैं शाम की प्रसादी। तो यहाँ पर आ चुकी हूँ मैं किचन में आप शाम की प्रसादी यानी प्रसाद मिठाइयाँ वगैरह बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ चीनी की मिठाई, जिसमें मैंने कढ़ाई में चीनी रखी है और ये हमारे चूल्हे की कढ़ाई है। यहाँ पर मैंने नारियल कसा हुआ है, ये खोया है, और यहाँ पर मैंने ना शाम का खाना भी बना दिया था, पापा और भाई का दाल चावल और रोटी। ठीक है, तो यार बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा वाली गर्मी, ये बन ही रहा है और कढ़ाई थोड़ी सी हमारी चूल्हे वाली है तो थोड़ा इग्नोर करना। ठीक है, और यहाँ पर जो है ना बहुत गर्मी लग रही थी मुझे, और मतलब लाइट भी आ रही थी, यहाँ पर एडजस्टर फैन लगा हुआ है किचन में वो भी चल रहा था, और पर गर्मी बहुत थी। यहाँ मेरी जो माता जी हैं वो गर्मी की वजह से बाहर ही बैठ के लड्डू बना रही थी, खोए के मावे के लड्डू हैं, बूरा मावा, और इसके अंदर जो भी मतलब आपको मेवे डालने हैं वो हैं, और वहाँ पर घी की लोच बनी हुई है। तो यहाँ पर ना हमने प्रसाद बना लिया था और मैं नहा ली थी, नहाकर तो मैं पूजा करने के लिए आ गई थी शाम को, पूजा करने के लिए 7 बज रहे थे और यहाँ पर मुझे लड्डू गोपाल को झूला भी झूलाना था। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ पूजा, और पूजा मैंने वैसे ऑलरेडी कर ही ली थी, ये देखो पूजा मैंने कर ली है। अब जो है हम अपने लड्डू माधव केशव तीनों भाइयों को जो है झूला झूलाएंगे, और ये मेरे तीनों बाबू बैठे हुए, और मैंने ना इनकी आरती करनी थी तो मैं इनकी आरती कर रही हूँ अभी। यहाँ पर मैं आरती गा रही थी और जल्दी जल्दी मैंने इनकी आरती की, और फिर वहाँ पे माता रानी की भी मैंने आरती की, और इनको भगवान लड्डू माधव केशव को धूप दी, और यहाँ पे मैं अपनी माता रानी की ये जो है अभी जो है आरती करने लग गई थी। और मम्मी भी मेरे पीछे ही खड़ी हुई थी क्योंकि हमें ना माधव केशव लड्डू तीनों भाई को झूला झूलाना था, झूला झूलाने का टाइम हो गया था। तो चलो अभी जल्दी से पहले पूजा हो गई है, झूला झूलाते हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने अपने हाथों से बनाया था झूला लड्डू माधव केशव के लिए, और यहाँ पे पहले शुरुआत की थी मम्मी ने झूला झूलाने की। तो यहाँ पर मेरी मम्मी झूला झूला रही थी और गीत गा रही थी, यानी मतलब भजन गा रही थी झूले वाले। तो यहाँ पर मम्मी झूला झूला रही है, और अब मेरे तीनों बाबू जो हैं साथ में, मतलब मैंने नहीं बिठाए थे, पहले मैंने एक को बिठाया था, फिर मैंने तीनों भाइयों को जो है ना साथ में ही बिठा दिया था क्योंकि मम्मी बोल रही थी कि साथ में ही बिठा दे, तीनों भैया साथ में ही झूल लेंगे। तो मैंने फिर तीनों बाबू को साथ में ही बिठा दिया था थोड़ी देर बाद। ठीक है, तो यहाँ पे आती है झूला झूलाने की बारी मेरी, और मैं अपना बाबू को झूला झूला रही थी और मैंने ना तीनों बाबू को साथ में ही बिठा लिया था, और यहाँ पर देखो कितने आनंद से मैं झूला झूला रही थी और मुझे ना बड़ा ही अच्छा लग रहा था झूला झूलाने पे। तो देखो कैसे झूल रहे मेरे बाबू झूला।
यहाँ पे मेरा भाई है, वो भी झूला झूला रहा है और ना वो मतलब मजाक मस्ती करता है। मैं जब भी इनकी पूजा करती हूँ ना तो वो मजाक मस्ती करता है मेरे भगवान को। तो यहाँ पर देखो कितने प्यारे लग रहे हैं मेरे भगवान जी और झूला झूल रहे हैं। और भाई को, भाई भी मतलब हर बार तो नहीं झूलाता, इस बार ही मैंने बोला भाई आ जाए तू भी झूला झूला ले, तो ये ना बहुत ज़ोर ज़ोर से भगवान जी को झूलाने लगा था। और मम्मी बोल रही थी पीछे से कि इतनी ज़ोर ज़ोर से मतलब बाबू को डर लगता है ना गिरने वगैरह का, तो इसलिए मम्मी बोली थी। फिर मेरे पापा रह गए थे, फिर मेरे पापा भी आए झूला झूलाने। और यहाँ मेरे पापा ना खाना खा रहे थे ना वहाँ, तो मेरे पापा ने ना ऐसे ही मतलब शॉप की सैंडो और ऐसे ही पहना हुआ था। तो फिर मैंने बोला कोई बात नहीं पापा, करे मैं वीडियो में अच्छा नहीं आऊँगा, मैंने बोला कोई बात नहीं पापा, मेरे पापा आए, मेरे पापा ने भी मेरे बाबू को तो झूला तो हमने झूला दिया था। फिर रात हो चुकी थी और हम लोग ऐसे मेरे ख्याल से 9:30 बज रहे थे, मैं और मेरी डुग्गी ना बोर बैठे हुए थे। तो बहुत ज़्यादा ना मतलब मैं ये वेट कर रही थी कब चाँद निकले कब चाँद निकले, पर निकल ही नहीं रहा था। तो मैं अपनी डुग्गी के साथ में खेलने लगी और इसको मम्मी ने बुला लिया, ये भी चली गई। फिर मैं अकेले सोच रही थी, मतलब मेरे बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा था क्योंकि यार सुबह का खाया हुआ था, कुछ नहीं खाया पिया हुआ था, पानी भी हमने 3 बजे व्रत खोला था तभी पिया था, उसके बाद से नहीं पिया था। तो मैं सोच भी रही थी कि मैं रेस्ट कर लूँ, नींद आ जाए नींद आ जाए, बट नींद नहीं आ रही थी बहुत ज़्यादा। और ना बहुत ज़्यादा सर में इतना दर्द होता था, मेरी नसों में बहुत ज़्यादा। तो अभी बहुत टाइम था, मिनिमम कम से कम 3-3.5 घंटे थे अभी चाँद निकलने में। तो फिर मैं भाई ने बोला देखो इधर 9 बज रहे हैं अभी, और फिर भाई आया, भाई ने मैंने भाई को फ़ोन किया कि चल कहीं बाहर मेले वगैरह में चलते हैं। तो पहले तो मेरा मन नहीं था, फिर मेरे क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा सर में दर्द होती और भूख प्यास भी लग रही थी। तो मैंने फिर भाई को फ़ोन किया, भाई आया, फिर मैंने बोला चल चलते हैं कहीं घूमने के लिए। तो फिर वो और मैं मम्मी, हम तीनों के तीनों फिर कहीं घूमने के लिए, मतलब बाहर ही हमारे घर से थोड़ी सी दूर जो है ना मेला लगा था। फिर हम जो ना तीनों स्कूटी उठाकर मेले में चले गए थे। तो यहाँ पर हम ना मेले में आ गए थे और यहाँ पर कुछ इस तरीके की झांकियाँ जो थी वो चल रही थी। मेरे से ज़्यादा देर खड़ा नहीं हो गया क्योंकि बहुत ज़्यादा सर में दर्द था और वहाँ पे ना कुछ आपस में लड़कों की फ़ाइट भी हो गई थी, इसलिए हम वहाँ से ना जल्दी निकल आए थे। बस थोड़ी सी मैंने झांकी देखी, 10-15 मिनट हम मिनिमम, आधा घंटा हम मिनिमम खड़े हुए, 10:30 तक हम घर आ गए थे। और फिर उसके बाद में हमने घर पर आने के बाद में अपना वही सब चीज़ की। तो चलो ये आप इन्जॉय करो झांकी को। तो रात को झांकी में से आने के बाद में ना चाँद निकल गया था और मैं सो गई थी, तो मुझे मम्मी ने उठाया कि देख चाँद आ गया। तो मैं यहाँ पे वीडियो शूट करने के लिए आ गई, आप लोगों को चाँद दिखाने के लिए, आप भी दर्शन कर लो। फिर मैं यहाँ से चाँद देखने के बाद में नीचे आई लड्डू गोपाल को स्नान कराने के लिए, पंचामृत से स्नान कराने के लिए। तो ये मेरे तीनों माधव केशव लड्डू जो है, सारा सामान मैंने ऑलरेडी तैयार करके रखा हुआ है, पंचमेवे से मैं नहलाऊँगी ना पंचीजों से, फिर उसी से हमारे यहाँ पर जो ना व्रत खुलता है पंचामृत से, ठीक है। तो मम्मी अभी ऊपर है, तो मम्मी आ रही है, तो अब यहाँ पर जो है मैं अपने लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान करा रही हूँ, जिसमें मैंने दही दूध घी और गंगा जल लिया है। तो उसी से हमारा फास्ट जो है, इसका जन्माष्टमी का हमारा पंचामृत से ही फास्ट खोलते हैं सबसे पहले स्नान कराने के बाद में। तो यहाँ मैं अपने कन्हैया को स्नान करा रही हूँ, आप इंजॉय करो।
तो यहाँ पर स्नान मैंने करा दिया था बाबू को, और तीनों बाबू को मैंने नाइट सूट पहना दिए थे क्योंकि सुबह रात को अपनों सोना भी तो था, पूरे दिन से थके हुए थे। तो अब यहाँ पे मैं दिया जला रही हूँ, दिया जलाने के बाद में जो है ना मैंने दिया जला दिया था, और दिया जलाने के बाद में अब मैं अपने जो भगवान जी को जो है ना जो मैंने मिठाई वगैरह बनाई थी 11 प्रकार के भोग से मैं इनको भोग लगाऊंगी। वैसे तो 56 प्रकार के लगते हैं, बट मेरे पास जितना था मैंने भगवान के लिए उतना श्रद्धा से किया। तो यहाँ पर जो है मैं भगवान जी की आरती करूँगी। सबसे पहले जो है हमने आरती, तो यहाँ पर जितनी भी प्रसादी हमने बनाई थी, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके पेड़े बनाए थे, मिठाइयाँ जितनी भी बनाई थी, तो उनका हमने भगवान जी को भोग लगाया, सारे भगवान जी को भोग लगाया, फिर हमने अपना व्रत खोला। तो यहाँ पर मैं भोग लगा रही हूँ अपने भगवान जी को। तो यहाँ पर चंद्रदेव निकल चुके थे और मम्मी यहाँ पर चंद्र को अर्ध्य देकर अपना फास्ट खोल रही थी, और यहाँ नीचे भोग का प्रसाद रखा था जो हमें चंद्रदेव को देख के मैंने फिर उनको जल देकर अर्पित किया और मैंने अपना फास्ट खोला और अपनी विश मांगी। तो आई होप सो आप सब लोगों को भी ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मेरी तरफ से फिर से आप सबको हैप्पी जन्माष्टमी। और मैंने ना अपना व्रत खोला, अर्ध दिया और चंद्रमा जी को, और नीचे मैं आई, फिर मैंने यहाँ पे मेरे बाबू जो है तीनों को मैंने सुला दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, तो मैंने फिर इनको सुला दिया और मैं भी फिर सोने के लिए चली।